वहां बैठ के हम चाय पी रहे थे और उस टाइम पे भी मैंने एग्जैक्ट यही वर्ड बोला था, मुझे नहीं पता था कि वो इतने दिन बाद उस लेटर में कन्वर्ट होगा। ये फिर वही बात है, मरने को तो मर भी जाऊं, कोई रंज नहीं कोई गम नहीं, पर साबित तो हो कि जिंदा हूं। थैंक यू सर, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा जूनियर हूं, आप लोगों को, आप लोगों के लेक्चर सुब्रमण्यम सर, सुकुमार सर, रतनलाल सर, सब लोगों के लेक्चर सुनते सुनते ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज भी देख रहे हैं मेरे बटन टूटे ही हुए हैं क्योंकि मैं पार्लियामेंट थाने से ही आया हूँ अरेस्ट होके। हम टीचर के कोच के लिए ही लड़ रहे थे और सड़क पे ही थे। और आप सबसे भी पुरजोर अपील करता हूं, रीढ़ की हड्डी तान के, आंख में आंख मिला के, हर जगह पे, हर सिस्टम से, जब तक आप संवाद, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ऐसे ही रोहित विमला हम सबके घरों में, हर इंस्टीट्यूशंस में लगातार कंटिन्यू रहेंगे। ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमारे सीनियर प्रोफेसर, टीचर्स, बाबा साहब, सब लोगों ने हमें वो मंच, वो प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया था। आज हम झुक गए क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो आदतें, वो बाजार हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितना हमें मिला, प्रॉब्लम ये है कि जो मिला क्या उसको हम कायम रख पाए। इंस्टीट्यूशनल मॉडल जनरेट कहां से हुआ जब आपने क्वेश्चन मार्क करना बंद कर दिया। छोटी छोटी बातों पे मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जितने भी स्कॉलर्स रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, अगर वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को अपने आप एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर घमंड और गुरूर और कॉन्फिडेंस एकदम खुल के बोलेगा। और जब ये चीजें होंगी जो रोहित में थी, तो उनका लेखनी भी एक एक मार करती थी हर जगह पे, हर सिस्टम पे, और वो सिस्टम ही उनका दुश्मन बना। तो मैं आप ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं सुरेंद्र भाई ने इस चीज को इंसिस्ट किया कि आपने उनके साथ किया था, थोड़ा काम किया था, मैंने एक थोड़ा सा एक प्ले में भी काम किया था उनके साथ। उनका जो विजन था एकदम क्लियर था, कास्ट, क्लास और सिस्टम, उसके साथ जूझना, लगातार बात करना, लगातार डिस्कस करना, लगातार उस सिस्टम के साथ आंख में आंख मिला के खड़े रहना, रात दिन अपनी डिमांड के न्याय दिलाने के लिए अपने आप को भी और अपने साथ वाले को भी सिस्टम के साथ लगाए रखना, ये उनका जज्बा था। और इस जज्बे को आप कितना कायम रख पाएंगे, ये आपकी यंगेस्ट जनरेशन है। बाजार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि बहुत खराब सा वर्ड होता है, बट हकीकत यही है। आप लोगों को मैं ज्यादा रोहित जी पे इस पर वो नहीं करना चाहता, उनकी शहादत है, उन्होंने हमें एक आईना क्लियर कर दिया है कि आप सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। आप जिस जिस जगह पे गए हैं, आप जिस जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, आप जिस जिस एरिया में आप सस्टेन हैं, उसको अगर कंटिन्यू करके और सिस्टम में जितना बदलाव नहीं करेंगे, तो हमारे पास बार बार, हमारे बच्चों के पास, हमारे भाई बहनों के पास, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के पास, इवन प्रोफेसर्स के पास भी वो सिचुएशन है कि वो रोहित वेमला वाले मोड में कन्वर्ट हो। और सरकारें भी यही चाहती हैं मैक्सिमम। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉन्ट्रेक्चुअल के सिस्टम पे पास हो गया है, कल एसी मीटिंग में थी और मैक्सिमम डीन और हेड ही डिपार्टमेंट के थे जिन्होंने वो पास किया। ये कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन आपका सबसे बड़ा शुरुआत है उस सिस्टम को बर्बाद करने की, जहां से आप आवाज उठाते हैं, जहां से आप आवाज उठाते हैं। 10% का एंट्री था, 10% का एंट्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी हुआ था, आज वहां 100% एंट्री हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल। ये छोटे छोटे काम जिनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे और आप छोटी सी नौकरी और छोटा सा फेवर चाहने के लिए चुप रहेंगे, वो आज ना कल आपको उसी सिचुएशन में खड़ी कर देगा जिस सिचुएशन में रोहित विमला थे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां पे भी जाएं, जिस भी तरीके से जाएं, अपनी आवाज को बुलंद रखें, अपनी आवाज को मजबूत रखें और अपनी आवाज को उसी सिस्टम और उसी कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करें जो आप खुद हैं। एक लाइन के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा और जो हमें सबको उसे उतार लेना भी चाहिए। हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते।
थैंक यू।